डियर स्टूडेंट वेलकम SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी ली थी। आज अपना उसी टॉपिक को आगे करेंगे। तो SST पढ़ेंगे आज, ठीक है। और पाठ संख्या 6 चल रहा था हमारा, नए प्रश्न और नए विचार। उसकी बात करेंगे आज। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई काफ़ी बातें, नए प्रश्न और नए विचार, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं और साथ साथ में जो उपनिषद हैं, उस उपनिषद के बारे में हमने जानकारी ली थी कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, विचार विमर्श करना, किसी विषय पर बातें करना या संवाद करना। हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था कि जो व्याकरण के महान लिखने वाले रचयिता थे, महर्षि पाणिनि की बात की थी, और उनके द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है उसका नाम था अष्टाध्यायी। तो हमने महर्षि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ की बात कर ली थी, और आज इसी टॉपिक से संबंधित और दूसरा जो टॉपिक है हमारा जैन धर्म, उसकी बात करेंगे। तो जैन धर्म कॉपी में लिखेंगे आप हेडिंग जैन धर्म, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। पहले समझना है फिर लिखाऊं, तो बोर्ड पर देखकर वो भी लिखना है आपको, ठीक है। लगभग 2500 साल पहले जिस प्रकार से इसी युग के अंदर बात कर रहे हैं, तो लगभग भगवान बुद्ध से संबंधित उनके बाद में और जैन धर्म का उद्भव हुआ। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम जो तीर्थकर थे वो भगवान महावीर थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर, और उन्होंने अपने विचारों को प्रसार किया, उनको विचारों को आगे बढ़ाया। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि लगभग 2500 साल पहले भगवान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लिखना है आपको इसमें लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर, महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया, ये बात अपने कॉपी में लिखना है। इस बात को समझना भी है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म से जुड़े हुए जो भगवान महावीर हैं, जो 24वें तीर्थकर हैं, जब जैन धर्म की हम बात करते हैं तो एक दो तीन लगाकर अंतिम में जो जैन धर्म को मानने वाले और जैन धर्म का प्रसार करने वाले जो जैन धर्म में जो सन्यासी हैं तीर्थंकर, उनका नाम आता है, उनका नाम था वर्धमान महावीर। देखो फर्स्ट में जो थे वो आदिनाथ या ऋषभनाथ को कहते हैं, उसी प्रकार जो अंतिम में हैं वर्धमान महावीर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खूब प्रयास किया, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और याद भी रखनी है।
तो ये लिख लिया होगा, ठीक है। और बढ़िया राइटिंग में नहीं लिखा है तो लिखो। जो भगवान महावीर हैं उनका जो जन्म है वो वज्जी जो संघ है जो हमने पढ़ा था मगध के बाद में संघ या गण राज्य या गण, उसके अंदर जो उनका वंश है लिच्छवी वंश, उस कुल में इनका जन्म हुआ और एक क्षत्रिय राजकुमार थे, कौन? भगवान महावीर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भगवान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। बात समझ में आ रही होगी। पहली बात जो मैंने बताई है कि भगवान जो महावीर हैं वो जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थकर हैं। तीर्थकर का मतलब क्या होता है कि जैन धर्म को मानने वाले, उसके साथ में उस जैन धर्म को फैलाने वाले अंतिम सन्यासी हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने जैन धर्म के अनेक लोग क्या करते हैं कि पैदल यात्रा से एक जगह से दूसरी जगह पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार उसमें उनका नाम आता है, ठीक है। तो जैन धर्म के अंदर आपको पता होना चाहिए जो भगवान महावीर है उनका किस वंश में जन्म हुआ। तो भगवान महावीर वज्जी जो संघ है बिहार के आसपास जो हमने बात की थी मगध के समय, उस संघ के जो लिच्छवी कुल हुआ, उस लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। एक बात आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। फिर भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया और जंगल में रहने लग गए थे और 12 वर्ष तक कठिन तप या एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एक बात ये भी लिखेंगे आप, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, 30 वर्ष की आयु में अपना आयु में घर छोड़ दिया। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और जंगल में 12 वर्ष एकाकी जीवन व्यतीत किया। 12 वर्ष एकाकी, एकाकी मतलब होता है एकांत में रहकर उन्होंने जीवन व्यतीत किया। 12 वर्ष एकाकी व कठिन जीवन व्यतीत किया, जीवन व्यतीत किया और जीवन वापस लिखेंगे व्यतीत किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और व्यतीत किया, ठीक है। ये वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखो भगवान बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था, उनको बताओ ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, बता सकते हो ना? याद होगा कि भगवान बुद्ध को बोध गया, जो गया है मूल नाम पहले गया था लेकिन भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में बोध गया नाम पड़ा। तो जो बोध गया है वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ जो बिहार के अंदर है, ठीक है। सारनाथ में अपना उपदेश दिया। तो उसी प्रकार भगवान महावीर हैं
उनका जन्म कहाँ हुआ, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, उसके बाद में जंगल में चले गए और जंगल में 12 वर्ष एकाकी मतलब एकांत में रह करके अकेलेपन में कठिन जीवन व्यतीत किया और उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नीचे वाली लाइन आपको लिखनी है, फिर भगवान बुद्ध द्वारा जो भी शिक्षा दी गई थी उनका प्रसार भगवान बुद्ध ने किया, उनके अनेक शिष्य बने, अनुयायी बने, उन्होंने प्रसार किया। उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी अपने विचारों को प्रकट किया और अलग अलग शिक्षाएं दी। दरअसल भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल सरल सिंपल है। तो उनकी शिक्षाएं ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति स्त्री या पुरुष को सत्य जानने की इच्छा है तो उसको घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो ये बात देख सकते हैं कि भगवान महावीर की, ये बात अपने कॉपी में लिखना है, भगवान महावीर की शिक्षाएं सरल थी, बिल्कुल सिंपल भाषा में, मतलब आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। महावीर की शिक्षाएं सरल थी, एक बात तो ये ध्यान रखनी आपको, बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने की। और दूसरी बात ये है कि सत्य जानने, सत्य जानने वाले जो भी, सत्य जानने वाले जो इच्छा रखते हैं या सत्य जानने की जो इच्छा रखते हैं, इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, मेरा ये कहना है भगवान महावीर की जो शिक्षा है बिल्कुल सरल भाषा में थी। उनका ऐसा मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को सत्य जानने की इच्छा है, उसका मन है कि मैं सत्यों के बारे में जानूं, तो सत्य को जानने के लिए आपको घर या अपना जो परिवार है उसे छोड़ना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। भगवान महावीर की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत ये बात आती है। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और लिखेंगे इसको। उसके अलावा भगवान महावीर ने विशेषकर अहिंसा पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को जीवों को नहीं मारना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो ये भी बात आपको लिखनी है और याद रखनी है कि भगवान महावीर ने ये जो काम मैं लिखा रहा हूँ ये आपको व्यवस्थित रूप से लिखना भी है। तो अपने व्यक्ति को अपने जीवन में अहिंसा की जो बातें हैं उनको मानना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात ये लिख ली। फिर व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। एक बात ये ध्यान में रखनी आपको। ठीक है, तो जो अपनी शिक्षाएँ सरल भाषा की बात कर रहे हैं, सरल शिक्षाएँ थी, उसमें पहली शिक्षा तो आप भी ध्यान रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति को सत्य जानने की इच्छा है, उसके व्यक्ति को सत्य के बारे में जानना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना था।
व्यक्ति को अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी भी जीव पर पीड़ा या उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, उसके बाद में भगवान महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। जिस प्रकार व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है कि व्यक्ति लंबी उम्र तक जिए, आप खुद जीना चाहते हो, तो वैसे जीव हैं, जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी भी तो इच्छा है कि वो जिंदा रहे और अपना जीवन यापन करे, इसलिए उनको कभी सताना नहीं चाहिए, सबको अपना जीवन प्रिय है, ऐसा उनका भगवान महावीर का मानना था। और भगवान महावीर ने जो शिक्षाएँ दी हैं वो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, ये बात लिखेंगे। तो भगवान महावीर की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में महावीर ने शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भगवान बुद्ध ने भी तो अपनी जो शिक्षाएं हैं, अपने शिक्षा का जो प्रसार है वो किस भाषा में किया था, प्राकृत भाषा में किया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बातें लिखनी है और याद रखना है, इस बातों में आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दरअसल उन्होंने उस समय जो भी भाषा में शिक्षाएँ दी हैं प्राकृत भाषा में, उस समय वहाँ की प्रचलन भाषा थी और सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षाएँ दी। ठीक है, और उनके जो अनुयायी हैं वो आराम से शिक्षा को समझ सकते हैं। और उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा का प्रसार था, तो काफ़ी लोग इस शिक्षा को समझ सके, इसलिए प्राकृत भाषा में ये भाषा थी। ठीक है, उस समय जो भी भाषा थी, जो प्रचलन में थी, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे मगध में बोलने जाने वाली प्राकृत और मागधी भाषा कहलाती थी। ठीक है, तो नाम वही नहीं है, अलग अलग नाम है, लेकिन मतलब सबका एक ही है, ये ध्यान रखना है। जैन नाम के जो भी भगवान महावीर के अनुयायी थे, वो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता है। ठीक है, मतलब भगवान महावीर के जो भी अनुयायी बने, उन्होंने भोजन मांगकर अपना जीवन है वो सादा व्यतीत किया है। उनको पूरी तरह से ईमानदार बनना पड़ता था, इसके अलावा चोरी नहीं करनी और ब्रह्मचार्य का पालन करना और पुरुषों को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता है। ठीक है, तो जो त्याग हैं, चोरी नहीं करना, अहिंसा प्रबल और साथ साथ में भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करना, ये सारी इस प्रकार के ब्रह्मचार्य का पालन करना, ऐसी जो बातें हैं भगवान महावीर के जो अनुयायी हैं उनका मानना था और वो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार भगवान महावीर की शिक्षाएँ हैं। तो शिक्षाओं में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, मैंने आपको वापस अच्छी तरह से बता दिया है कि भगवान महावीर की जो शिक्षा है वो कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राकृत भाषा है उस समय की प्रचलन भाषा थी, जो उसके अन्य नाम भी प्राकृत या मगधी भाषा थी, मागधी इसको बोलते थे। महावीर के जो अनुयायी हैं वो अपना जीवन सादा व्यतीत करते थे, भिक्षा मांग कर खाते थे, इनको भिक्षु कहते हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि उन्हें ईमानदार रहना पड़ेगा और ब्रह्मचार्य के रूप में चोरी नहीं करना, ठीक है, और साथ साथ में सत्य पर चल करके अहिंसा पर बल देना, और साथ में जो पुरुष है उनको वस्त्र भी त्यागना पड़ता है, ऐसी शिक्षाएँ और ऐसा इस प्रकार से जीवन व्यतीत करने के लिए जैन महावीर भगवान महावीर के अनेक अनुयायी बने। ठीक है, और जो जैन शब्द है, जिसका जो शब्द अर्थ होता है जैन धर्म के अंदर, जैन शब्द का जो शब्द जिन से निकला है, और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, तो एक शब्द लिखेंगे कि जैन शब्द जीन से निकला है, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ विजेता है। बात समझ में आ रही ना भाई? अपन जो जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म का मतलब क्या होता है भाई? भगवान महावीर के नाम से तो धर्म का नाम नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान बुद्ध के नाम से बहुत धर्म पढ़ा, तो नाम से पढ़ा है। लेकिन यहाँ जो जैन नाम पढ़ा है, जैन धर्म के अंदर जिन सब निकला है, और जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है? तो अपनी आत्मा पर, अपने सत्य पर विजेता प्राप्त करने वाले को जैन धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये आपको लाइन लिखनी है और याद रखनी है, ठीक है? तो अपनी कॉपी में बढ़िया ढंग से लिखेंगे। इसके अलावा अपन आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतने ही सुंदर रूप से लिखना कॉपी के अंदर, ठीक है? धन्यवाद।